प्रभारी और दो आरक्षकों पर कार्रवाई हुई। चौकी प्रभारी गीतांजलि सिन्हा और दो आरक्षक निलंबित हुए हैं। अवैध शराब और लेनदेन का आरोप लगा था। एसपी शलभ सिन्हा ने कार्रवाई की और मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की गई है। तो चौकी प्रभारी गीतांजलि सिन्हा और दो आरक्षक पर कार्रवाई हुई है। वैध शराब और लेनदेन का आरोप उन पर लगा था। एसपी शलभ सिन्हा ने कार्रवाई की, मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की गई है। चौकी प्रभारी और दो आरक्षकों पर कार्रवाई की गई। दरअसल दो आरक्षकों पर और चौकी प्रभारी पर निलंबन की कार्रवाई की गई है और एसपी शलभ सिन्हा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ चरा समाचार प्रदीप गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, दो आरक्षकों और थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई है, एसपी शलभ सिन्हा ने क्योंकि ये कार्रवाई की है तो उनका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिले में अभी तक जो है बड़ी कार्रवाई की है। शलभ सिन्हा ने चारभाटा के चौकी प्रभारी गीतांजलि सिन्हा के ऊपर एक गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि ये जो है अवैध शराब और लेन देन के मामले को लेकर लगातार एसपी को शिकायत मिल रही थी और बाकायदा एसपी के पास एक ऑडियो जो है वायरल हुआ है, ऑडियो जो सुने हैं एसपी शलभ सिन्हा ने। उसके बाद ही दो आरक्षक सहित जो है चौकी प्रभारी गीतांजलि सिन्हा को निलंबित किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। रायपुर से एक और बड़ी